आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छत। तुम किसी भी देवी देवता को मानो, तुम किसी भी अल्लाह जीसस को मानो, तुम किसी भी आस्था पंथ संप्रदाय को मानो, लेकिन सब जिस प्रकार आकाश से गिरने वाले जल की तरह से सागर में मिल जाते हैं, ऐसे तमाम तरह की आस्थाएं और भावनाएं उसी एक परमेश्वर को मिलती हैं। इसलिए जब पश्चिम लंगूरों और बंदरों की तरह पेड़ों पर लटक रहा था, तो आपके पूर्वज उत्तराधिकारी सिंधु नदी के तट पर ऋषियों ने क्या संदेश दिया? वसुधैव कुटुंबकम। गोधरा और गुजरात का जिक्र होते ही जब मैंने उनसे पूछा कि नरेंद्र भाई आप बताइए तो सही, हुआ क्या, ये सब कैसे घटनाक्रम हुआ? मित्रों, मैं आज भी वो क्षण कभी भूल नहीं सकता। नरेंद्र भाई ने एक क्षण को जवाब नहीं दिया, हमारी ओर ताकते रहे और फिर बच्चों की तरह फफक फफक कर रोने लगे। मैंने कभी नरेंद्र भाई को वैसे रोते हुए नहीं देखा। और उनका दर्द, उनकी वेदना, उनकी संवेदनशीलता, वह उनके आंसुओं में बह कर सामने आ रही थी। हम लोग अवसन्न रह गए, स्तब्ध रह गए। एक भयानक हादसों के बाद में जब नरेंद्र भाई से ये पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये मनुष्यता का दर्द था, मनुष्यता की वेदना थी। यह वह वेदना थी जो ये सहन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा अमानुषिक पाशविक बर्बर व्यवहार उस गुजरात की धरती पर भी हो सकता है जहां कभी गांधी हुए थे। यह मनुष्यता है जो पौरुषता का प्रतीक होती है, यह संवेदनशीलता है जो पौरुषता का प्रतीक होती है, यह कापुरुषता नहीं होती है। वह मनुष्यत्व जो संसार के सबसे ज्यादा भीषण तौर पे, पाशविक तौर पे जिनका पीछा किया गया, असत्य के आधार पे, दुर्भावना के आधार पे, दुष्चक्र के आधार पे, ईर्ष्या के आधार पे, रिश्वतखोरी के आधार पे, उसी दुष्चक्र से खरे सोने की तरह अग्नि परीक्षा से निकल के वह सत्यमेव जयते के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक अगर बन गए, तो वह नरेंद्र मोदी आज बने। यह समय जब चारों ओर अंधेरा, बादल गड़गड़ा रहे हो, बिजलियां कड़क रही हो, दूर कहीं एक दीपक टिमटिमाता सा दिखता हो, तो वो समय उस राष्ट्र के लिए स्वर्ण संधि का काल होता है। दैट्स अ टाइम ऑफ अ गोल्डन आवर फॉर दैट नेशन। भारत की सेवा करने का बड़े से बड़ा सपना रखो, बड़े से बड़ा हृदय रखो, और अकबर इलाहाबादी के शब्दों में, तुम दुनिया भर की चिंता करो लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान की चिंता करो। अरे तेरे लब पे है इराको शाम मिस्रो रोमची, लेकिन अपने ही वतन के नाम से वाकिफ नहीं। सबसे पहले मर्द बन हिंदोस्ता के वास्ते, हिंद जाग उठे तो भी सारे जहां के वास्ते। वंदे मातरम।